तस्वीरें आप साइंस कॉलेज से देख रहे हैं, जहाँ पर बर्ड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो काफ़ी लंबे समय से चलाया जा रहा था, और फाइनली अब उस बर्ड को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है, जो कि एक ऊंचे पेड़ पर फंस गया था। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी किस कदर ऊपर जो है वो। किया जा रहा था कि इस बर्ड को रेस्क्यू कर लिया जाए, जो कि इस समय थोड़ा जख्मी भी जो है पाया जा रहा है। और ऊपर की तस्वीरें आप देखिए, ऊंचे पेड़ पर ये पक्षी जो है ईगल जो है वो फंस चुकी थी, जो कि थोड़ी इंजर्ड भी पाई गई है, और अब उसे रेस्क्यू करके नीचे लाया गया और उसे पानी वगैरह जो है वो पिलाया जा रहा है, और अब इसे बर्ड डिपार्टमेंट ले जाया जाएगा, जहाँ पर देखा जाएगा कि क्या कुछ प्रॉब्लम जो है इस बर्ड को है। एक बेजुबान सा जानवर है, वेल अप्रिशिएबल काम इनकी ओर से यहाँ किया गया है। जैसे ही देखा गया कि एक पक्षी जो है वो काफ़ी लंबे समय से पेड़ पर था और वहाँ पर ही जो है अपने पंख को फैलाने की कोशिश कर रहा था, नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पक्षी जो है वो उड़ नहीं पाया, जिसके बाद देखा गया और सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, इस द्वारा जो है ये पक्षी को नीचे लाया गया है। जिन्होंने रेस्क्यू किया है इनसे बात करने का प्रयास करते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, किस तरह से इन्हें जानकारी मिल पाई थी। सर, किस तरह आपको पता लगा ये पक्षी जो है पेड़ पर काफ़ी लंबे समय से फंसा हुआ? ये हमें कल शाम से जो मशक्कत चल रही है, कल शाम को ना कॉल आई थी हमारे कंट्रोल रूम में साइंस कॉलेज से, पहले भी हमें आती है ये कॉलें, तो वहाँ से हमने ये मैसेज आया, शाम को भी हमने एक दफ़ा आए हैं इसको बचाने के लिए, शाम को भी हमने ट्राई की है, पर ये मुमकिन हो नहीं पाया, क्योंकि जो हमारी ये ब्रोंटोस का लिफ्ट है इसका स्पेस यही होता है, काफ़ी एक्सटेंड होती है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था। फिर आज सुबह हमने एक वाटर टेंडर भेजी, उससे काफ़ी मशक्कत की उन्होंने, पर उससे भी ये संभव नहीं हो पाया। फिर हमारे इंचार्ज साहब और हमारे एडी असिस्टेंट डायरेक्टर साहब भी आए हैं यहाँ पर मौके पर, तो हमारे रमेश शर्मा साहब जी ने इसकी काफ़ी कोशिश की और हाइट पर जाके इसकी मदद से उतारा, काफ़ी मुश्किल आई है इसमें। पक्षी जो है वो इंजर्ड है, क्या वजह रही है पेड़ पर? इसमें मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा, जो ये डोर इस्तेमाल करते हैं काइट कॉर्ड, उसी की वजह से ये फंसा हुआ था, इसके पंखों में ये लिपट गई थी, उसी की वजह से ये पेड़ पे फंसा हुआ था काइट कॉर्ड की वजह से। लोगों से यही कहना चाहूँगा इसका इस्तेमाल कम करें, जो ये चाइनीज डोर है इसको बिल्कुल बंद कर दें। देखना कुछ छोटे वगैरह आई है, जिस तरह से आपने कहा कि डोर फंसी हुई थी, तो कुछ पंखों में चोट वगैरह आई? नहीं, चोट नहीं है, पंख में डोर फंसी हुई थी, अब ये हमने इसको वो डोर काट दी अच्छी तरह से, इसके पंख जो है बिल्कुल ठीक कर दिए हैं, इसके बाद हम इसको वाइल्ड लाइफ की टीम भी यहाँ पे मौके पे है, इनके हवाले कर देंगे, उसके बाद ये आज़ाद हो जाएगी। जिस तरह से हमने सुना कि वाइल्ड लाइफ की टीम भी यहाँ मौके पर मौजूद है, और एक संदेश भी दिया गया है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है लोगों से कि आप लोग ये डोर जो यूज़ करते हैं उससे ना करें, आप लोग देखते हैं कि इस डोर से एक इंसान को भी कितना ज़्यादा नुकसान होता है, वो फिर बोल लेता है, लेकिन ये तो बेजुबान से पक्षी हैं, ये तो वो भी बोल नहीं सकते। तो जिस तरह से इन्होंने जानकारी दी कि कल शाम से जो है वो कंट्रोल रूम से इन्हें कॉल गया, उसके बाद कल शाम से ही मशक्कत चल रही थी कि इस पक्षी को नीचे उतार लिया जाए, लेकिन कल शाम को ये प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाया, और अभी ही कुछ समय पहले जो है वो इसे कर दिया गया है, और इस पक्षी को जो है वाइल्ड लाइफ की ओर से ले जाया जाएगा, जिसके बाद इसे फ्री कर दिया जाएगा।
काफ़ी मेहनत जो है वो लगी है इस पक्षी को नीचे लेकर आने में। और इस समय जो तस्वीरें मैं आपको साइंस कॉलेज की दिखा रही हूँ, जिस तरह से इन्हें कल शाम को ही कॉल आया, इन्होंने कल शाम से ही ट्राई किया कि इस पक्षी को रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया। इसलिए आज सुबह फिर से जो है वो यहाँ पर प्रयास करना शुरू कर दिया गया था, और अब इस पक्षी को रेस्क्यू कर लिया गया है। वाइल्ड लाइफ की टीम भी मौके पर मौजूद है, जिसके बाद इसे ले जाया जाएगा और फ्री कर दिया जाएगा। तो लोगों से अक्सर कहा जाता है कि आप लोग ऐसी कोई चीज़ें यूज़ ना करें जिससे किसी की जान को नुकसान हो। ये चाहे एक पक्षी था, लेकिन जान इसमें भी है, अगर इससे भी किसी तरह की चोट आ जाती है तो किस तरह से जो है ये बोल भी नहीं पाएगा। यहाँ के लोगों ने जो है वो देखा, उसके बाद जानकारी दी, जिसके बाद अब यहाँ पर इस बर्ड को रेस्क्यू कर लिया गया है। फिलहाल अच्छी बात ये है कि कुछ इंजरीज जो है वो इस बर्ड को नहीं हुई है, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की जो टीम मौजूद है उन्होंने इस चीज़ को चेक किया है और किसी भी तरह की इंजरीज यहाँ पर नहीं हुई है। तो आप लोगों को भी एक बार फिर से मैसेज देना चाहूँगी कि कृपया करके ऐसे डोर्स का इस्तेमाल ना करें। बार बार अगर कहा जाता है पॉलीथीन बैग्स का भी इस्तेमाल ना कीजिए, वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि कोई बेजुबान जानवर वो प्लास्टिक अगर खा लेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो ज़रूर पहुँचेगा। एक लंबा संघर्ष किया गया कल शाम से, प्रयास किया जा रहा था इस बर्ड को रेस्क्यू करने का, और जिस तरह से कहा कि ये डोर से लिपटा हुआ था, लोगों को एक क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एक आम एक इंसान जो होता है वो तो बोल पाता है, लेकिन ये पक्षी जो है वो नहीं बोल पाते हैं। मैम ऐसा है कि कल हमें शाम के टाइम में कॉल आई थी गवर्नर हेडक्वार्टर में, एक पंछी जो है वो साइंस कॉलेज के अंदर पेड़ के साथ लटका हुआ है। तो हमारी टीम आई, उसने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन देर रात होने की वजह से वो इसमें सफल नहीं हो पाए। और दोबारा मॉर्निंग में हमें दोबारा कॉल मिली कि वो पंछी अभी भी लटका हुआ है, कि बर्ड लाइफ वाले भी आए थे तो हमें भी उन्होंने कॉल की। पहले तो हमने कोशिश की जो हमारी वाटर टैंक होती है उसका एक्सटेंशन करके, लेकिन उसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से हम उसमें सफल नहीं हो पाए। तो फिर हमने कोशिश की अपनी जो हमारी ये आप इसका देख रहे हैं ब्रोंटो 500 है, इसमें जो ऑलरेडी एक्सटेंशन की जो सुविधा होती है, तो फिर हमने ये वाली गाड़ी जो है अरेंज की। तो एक्चुअली मैडम अगर सही में देखा जाए तो ये जो गाड़ी हमारी है ये बहुत ही एक संवेदनशील गाड़ी है, इसको हम आम छोटी मोटी चीज़ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये है बहुत कहीं भी बड़ी इंसिडेंट, कोई बड़ी बिल्डिंग में इंसिडेंट होता है जहाँ कोई 4-5 मंजिल बिल्डिंग है तो वहाँ पर रेस्क्यू के लिए काम आती है। तो लेकिन फिर कितनी भी हाइट में ये बर्ड जो है वो फंसा था? हाँ, लगभग कुछ 200 फीट की हाइट पे था। तो हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसमें फिर हमें लास्ट में कुछ नहीं, तो फिर हमें ये अपनी युवा प्रोटो मंगवानी पड़ी। तो उसके मदद से हमने फिर हमारे ये पायलट थे ये भी आए, हमने कोशिश की। तो चलो ये परिंदा है ये तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन चलो इसकी जब हमने रेस्क्यू करके इसकी जान बचाई तो हमें भी काफ़ी जो है अच्छा लगा, सुकून मिल रहा है। लेकिन हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जो जितने भी ये जो इंसिडेंट होते हैं, कभी भी हमें जो कॉल आती है कि जो परिंदा है वो लटका हुआ है, तो मैम ये सबसे जो मेन कारण है ये जो चाइनीज़ी जो डोर है धागा है, तो उसी की वजह से ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। हम पब्लिक से ये पुरजोर डिमांड करेंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे, गुजारिश करेंगे कि हम इसका कम से कम जितना हो सके इसको यूज़ में ना लाएं, क्योंकि एक हम कुछ टाइम के लिए इंजॉय करते हैं लेकिन उसकी वजह से काफ़ी जो पंछी हैं वो इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। चलो ये भी हम मैम हम ये कह सकेंगे कि इसकी लाइफ थी, तो कहीं अचानक किसी की नज़र पड़ गई तो किसी ने देख ले, नहीं तो वरना इसको कौन देखता वहाँ पर कि लटका हुआ है कि नहीं लटका हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि ये जो चाइनीज़ी डोर है इसको जो हमारे हम जितने भी पब्लिक जम्मू के लोग हैं इसको कम से कम इसको ना यूज़ करें, ताकि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो सके। जी,
आपने सुना कि इनका ये कहना कि लगभग जितने भी कॉल्स आते हैं इस चीज़ को लेके कि बर्ड को रेस्क्यू करना, मैक्सिमम ये चाइनीज डोर्स की वजह से ही होते हैं। आपको हर बार ये भी कहा जाता है कि आप लोग ये चाइनीज प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें, और ये जो डोर थी, इस डोर में ये पंछी जो है कितने घंटे लटका रहा है और कितनी जद्दोजहद के बाद अब इसे रेस्क्यू कर लिया गया, और तस्वीरें जो है साइंस कॉल से दिखाती। मकसद सिर्फ यही था आप लोगों को एक बार फिर कहने का कि आप लोग ये चाइनीज प्रोडक्ट्स, ये चाइनीज डोर को यूज़ ना करें, क्योंकि एक इंसान को वो किस तरह हार्म करती है, क्या कुछ केसेस भी देखने को सामने नज़र आते हैं जब रक्षाबंधन होती है या अन्य त्यौहार होते हैं जिसमें काइट फ्लाई की जाती है, उस चीज़ को लेकर क्या कुछ इंसिडेंट्स एक इंसान के साथ भी देखे जाते हैं। तो ये तो फिर एक पक्षी है जो बेजुबान है, ये नहीं बोल सकता है कि इसे क्या तकलीफ होगी। आपको बार बार अगर कहा जाता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यानी कि चाइनीज़ डोर का इस्तेमाल ना करें, पॉलीथिन बैग्स का इस्तेमाल ना करें, वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि हमारे एक स्टेप से हम इन बेजुबानों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। और एक कल शाम से जद्दोजहद की जा रही थी इस पक्षी को यहाँ से रेस्क्यू करने की, अब इसको रेस्क्यू कर लिया गया है। वाइल्ड लाइफ और बर्ड की यहाँ पर टीम भी जो है वो मौजूद थी, और अब इसे यहाँ से लेके जाया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कुछ सिचुएशन जो है वो ठीक होने के बाद इसे फ्री कर दिया जाएगा ताकि वापस से आसमान में उड़ सके। आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत से नुकसान हो सकते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर कीजिए कि आप लोगों को किस तरह से अपना एक कदम लेना है और जिससे आप इन बेजुबानों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा, और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।